प्रोसेसर, ये नाम तो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। या फिर जब भी हम कोई नया कंप्यूटर खरीदी करते हैं तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो पार्ट तय करते हैं वो होता है प्रोसेसर, जो कि कंप्यूटर के दिमाग की तरह होता है। इसके बिना कंप्यूटर मानो अधूरा सा है या फिर कुछ भी नहीं। और जब बात आती है कंप्यूटर प्रोसेसर्स की, तो इंटेल, ये नाम तो आपके कानों पर ज़रूर पड़ा होगा, जो कि विश्व की सबसे बड़ी माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आज हम इस वीडियो में इंटेल कंपनी के मालिक एंडी ग्रो के जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम गहिरे और आप देख रहे हैं SIG बायोग्राफी यूट्यूब चैनल। सो लेट गेट स्टार्टेड। इंटेल कंपनी के CEO और मशहूर व्यापारिक रणनीतिकार एंडी ग्रो का पूरा नाम एंड्रयू स्टीफन ग्रो था। उनका जन्म 2 सितंबर 1936 को बुदापेस्ट हंगरी में हुआ। उनके पिताजी दूध डेयरी चलाते थे और माताजी बही खाता में क्लर्क का काम किया करती थी, इसलिए उनकी आर्थिक परिस्थिति भी इतनी खास नहीं थी और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। वक्त आगे बीतता जा रहा था। अपनी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करते समय नाजियों द्वारा हंगरी पर कब्जा करने के कारण 1956 में एंडी ग्रो हंगरी छोड़कर अपने माता पिता के साथ ऑस्ट्रिया चले गए। कुछ हफ्तों बाद वो न्यूयॉर्क जाने वाले एक शरणार्थी जहाज पर चढ़ गए और न्यूयॉर्क जाकर वो अपने अंकल आंटी के पास में रहने लगे और वहाँ रहकर वो अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने लगे। उन्होंने न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग को अपना दाखिला करा लिया, लेकिन एक गंभीर समस्या की वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे। असल में नाजियों द्वारा हंगरी पर जब कब्जा हुआ था, तब एक गंभीर घटना की वजह से एंडी को कान की बीमारी लग गई थी, जिससे उन्हें सुनाई कम देने लगा था। पर ऐसी परिस्थिति में भी वो हर वर्ष कॉलेज में अव्वल आया करते थे और वो पूरी क्लास में सबसे बुद्धिमान रह चुके थे। उनका मानना था कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, अगर हम हमारे मन की ठान ले तो वो मुश्किलें हमेशा हमें छोटी ही लगती है। पर आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से अपना खर्चा निकालने के लिए वो रेस्टोरेंट में भी काम करने लगे थे। वहाँ उनकी मुलाकात वेटर के रूप में काम करने वाली एक इवा नामक लड़की से हुई, जो कि हंगरी से ही आई थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। आखिरकार एंडी ने इवा को प्रपोज कर ही दिया और दोनों 1958 में विवाह के बंधन में बंध गए। और फिर छोटे मोटे काम करते हुए एंडी ने 1960 में अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो कैलिफोर्निया चले गए। कैलिफोर्निया आने के बाद 1963 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी PhD पूरी कर उन्होंने डायरेक्ट की डिग्री हासिल की। अपनी शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्हें फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर नामक एक कंपनी में नौकरी मिल गई। ये कंपनी मुख्यतः कंप्यूटर में लगने वाली सेमीकंडक्टर चिप्स और इंटीग्रेटेड चिप्स बनाती थी। इस कंपनी में वो रिसर्चर पद पर कार्यरत थे। 1967 तक एंडी ग्रो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग में रहने के कारण सेमीकंडक्टर और IC से बहुत ज़्यादा परिचित हो चुके थे। लेकिन कुछ साल काम करने के बाद कुछ कारणवश 1968 में कई लोगों ने कंपनी को छोड़ दिया। ऐसे में एंडी के साथ कंपनी में दो और मैनेजर काम किया करते थे, जिनका नाम था गार्डन मूर और रॉबर्ट नाइट। इन दोनों ने मिलकर एक नया स्टार्टअप इंटेल कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया। साथ ही एंडी ग्रो को भी अपने साथ काम करने का न्योता दिया गया और ऐसे में एंडी ग्रो ने कंपनी के तीसरे कर्मचारी के रूप में 1968 में ही इंटेल कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इंटेल कंपनी शुरुआती में मेमोरी चिप्स बनाती थी, पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया कंपनी ने अपने आप को और भी विकसित किया।
और एंडी को सेमीकंडक्टर और आईसीएस की जानकारी होने के कारण 1970 में कंपनी ने एंडी की सलाह मानकर अपना पूरा ध्यान मेमोरी चिप्स से हटाकर माइक्रोप्रोसेसर्स बनाने पर देने लगी। इंटेल कंपनी ने माइक्रोप्रोसेसर्स बनाने के क्षेत्र में कमाल ही कर दिया और इस खुशी में सन 1987 में एंडी ग्रोव को इंटेल कंपनी के सीईओ पद के लिए घोषित कर दिया गया। आगे भी एंडी के मेहनत और लगन की वजह से इंटेल कंपनी ने और भी कई पावरफुल प्रोसेसर्स मार्केट में लॉन्च किए जो कि काफ़ी ज़्यादा सफल हुए और सन 1998 में एंडी ग्रोव को प्रोस्टेट कैंसर होने का पता चला। इलाज के कारण उन्होंने सन 2005 में इंटेल के सीईओ पद को छोड़ दिया। इलाज कराते कराते 21 मार्च 2016 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज भी और आने वाले सालों में एंडी ग्रोव हमेशा हम सबके दिलों में रहेंगे और उनके द्वारा बनाया गया इंटेल प्रोसेसर हमें हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा जो कि एक बड़ा आविष्कार है। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।